हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गौतमी कपूर को कौन नहीं जानता, टीवी का एक जाना माना नाम है, लेकिन अब वो जल्द नजर आने वाली अपनी पहली वेब सीरीज स्पेशल ऑप में इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद गौतमी कपूर। बहुत बहुत स्वागत है बीपी। थैंक यू। गौतमी, हमने टेलीविजन में आपको बहुत देखा, आप घर घर जानी जाती है, पहली दफा एक वेब सीरीज में नजर आने वाली, कितनी एक्साइटेड है स्पेस में कदम रखने को लेकर और किस तरह का किरदार होगा आपका? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये नीरज जी और शिवम जी का प्रोडक्शन है, वो डायरेक्शन कर रहे हैं, फ्राइडे फिल्मवर्क्स प्रोडक्शन हाउस है। और बहुत मुझे अच्छा लगा जब मुझे फोन आया क्योंकि ये थ्रिलर है और थ्रिलर जॉनर मैंने कभी टीवी पर ना तो कभी किया है और ना कभी सोचा था कि मैं करूँगी। तो ये जब ऑफर आया मुझे बहुत अच्छा लगा और वेब स्पेस में है तो और भी मजा आ रहा है, बिकॉज ये एक रॉ एजेंट की कहानी है और मेरा किरदार रॉ एजेंट की वाइफ का है, लेकिन ये टिपिकल वाइफ नहीं है रॉ एजेंट, जो के मैनन रॉ एजेंट का किरदार प्ले कर रहे हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ सरोज। और ये एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल रह चुकी हैं, अब ऑफकोर्स हालांकि वो घर पे हैं, लेकिन घर पे शी कॉल्स द शॉट्स, यू नो शी इज द बॉस। और घर पे के एक आम जो पिता होते हैं वैसे ही हैं, और जी बिल्कुल, और घर पे तो उनकी बिल्कुल नहीं चलती, वाइफ की चलती है, फील्ड पे रॉ एजेंट होने के कारण उनकी चलती है। और हमारी बेटी है 16 साल की, जो उन्हें पता ही नहीं है कब वो 16 साल की हो गई, बिकॉज वो फील्ड में इतने बिजी थे और बिजी हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि बेटी कब 16 साल की हुई। और बेटी और पापा के बीच में थोड़ा तनाव चल रहा है शो में, बिकॉज वो 16 की हो गई है, उसका एक बॉयफ्रेंड है जो के बिल्कुल पसंद नहीं करते, और क्योंकि वो रॉ एजेंट है, वो एक बहुत बड़े केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सबको बहुत सस्पिशियस नजरिए से देखते हैं, तो उसकी वजह से घर में काफ़ी तनाव है बेटी और पापा के बीच में। और माँ जो है वो मिडिल मैन है, वो वॉल है, वो बेटी को भी प्रोटेक्ट करना चाह रही है, एट द सेम टाइम वो केके को समझाने की कोशिश कर रही है कि इस उम्र में ऐसा नहीं होता, यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग वेरी डेलिकेटली। एंड केके इज ऑन अ वेरी वेरी बिग केस, और ये एक ऐसा केस है जो चंद दिनों में या चंद महीनों में ख़त्म नहीं होता, ये केस चलता है 19 सालों के लिए। तो ये जर्नी उस रॉ एजेंट की है जो 19 सालों तक लड़ता रहता है और कोई उसे बिलीव नहीं करता, बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं रास्ते में, तो वो कैसे उन सबको हैंडल करता है और हाउ ही कम्स विक्टोरियस और नॉट, दैट यू'ल हैव टू सी। ये बताइए कि जब इस वेब सीरीज का प्रस्ताव आपके सामने आया तो क्या आपने वक्त लिया सोचने में कि ये मैं करूँ ना करूँ, क्योंकि टेलीविजन का जो फॉर्मेट है बहुत हेक्टिक भी होता है, आप सुबह से लेकर रात तक उसी में बिजी रहते हैं और सालों साल सीरियल चलते रहते हैं, तो ये जब प्रस्ताव आपके पास है कितना वक्त लिया आपने से हाँ कहने में? मैंने वक्त लिया ही नहीं, वक्त तो प्रोडक्शन हाउस ने लिया, क्योंकि मैंने जब ऑडिशन किया था मैं वेट कर रही थी कब मुझे वो कॉल बैक करे, और जब कॉल आया मैंने तुरंत हाँ कर दी थी, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा शो है, थ्रिलर है जैसा कि मैंने पहले कहा, और मैंने ये ऐसा किरदार कभी किया नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आया, सो मैंने बिल्कुल वक्त नहीं लिया, मैंने तुरंत हाँ कर दी। और मैं जानना चाहूंगा कि राम कपूर का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आपने वेब शो साइन किया है और स्पेस में कदम रखने जा रहे हैं? वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लगता है मुझे वेब में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए, और वो हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि कुछ और करो कुछ, मतलब जो टेलीविजन का मेरा इमेज है वो बहुत ही घरेलू हाउसवाइफ, बहुत सहमी हुई कैरेक्टर, ऐसा मेरा इमेज ही वैसा है, लेकिन तो उनका ये मानना है कि मुझे कुछ हटके करना चाहिए। तो जब इसका भी मुझे ऑफर आया था मैंने उनको कहा था कि प्लीज़ मुझे रॉ एजेंट बना दो, मुझे वाइफ नहीं बनना है, तो बोले पहले तुम वाइफ बनो, रॉ एजेंट बाद में देखेंगे। सो आई एम थ्रिल्ड, आई एम रियली हैप्पी। अब मैं जानना चाहूंगा कि वेब का जमाना है, वेब सीरीज का जमाना, क्या हम आपको आगे भी इस तरह की वेब सीरीज करते हुए ज्यादा देखेंगे? हाँ प्लीज, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं और ज्यादा वेब शोज करूँ, कुछ अलग करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ। हाँ मुझे करना है, मुझे बहुत कुछ करना है वेब स्पेस में, मुझे कॉप का रोल प्ले करना है, मुझे नेगेटिव करना है, मुझे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस करने हैं, स्टंट्स करने हैं, मुझे सब एक्सप्लोर करना है। जी, एक लंबा अरसा हो गया हमने टेलीविजन में आपको देखा था, आप फिर से दोबारा टेलीविजन में कब नजर आएंगी, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछ सकूं तो?
एक्चुअली अगर कोई मुझे अच्छा या चैलेंजिंग रोल ऑफर हो तो मैं ज़रूर करूँगी. अब तक जो कुछ भी मुझे ऑफर हुआ था वो सेम स्पेस में था, इसलिए मुझे मतलब मैं ऑडियंस को कुछ और दिखाना चाहती हूँ, जो मेरा टैलेंट है कुछ और करना चाहती हूँ. मुझे वही कैरेक्टर्स करके मैं भी बोर हो गई हूँ, शायद मेरे फैंस भी बोर हो गए होंगे. तो आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. सो इफ आई गेट अ रियली चैलेंजिंग स्क्रिप्ट, समथिंग रियली डिफरेंट टू डू, आई वुड लव टू डू इट, इवन ऑन टेलीविजन और वेब स्पेस, डजंट मैटर. उसी तरह राम कपूर का भी इंतजार काफी हो रहा है टेलीविजन में, काफी पॉपुलर है वो भी बहुत चूजी है आपकी तरह. कुछ बता सकती है कि राम कपूर का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमें वो जल्दी मिलते नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. जी एक्चुअली राम 2020 में उनकी काफी सारी रिलीजेज आ रही है, उन्होंने 2-3 फिल्में की है जो अभी 2020 में रिलीज हो जाएंगी. उसके अलावा उन्होंने मीरा नायर का एक बीबीसी शो किया है जो इंटरनेशनली रिलीज होने वाला है. अभी 6 जून को वो रिलीज हो जाएगा, उसका नाम है सूटेबल बॉय. सो वो BBC 1 के लिए कर रहे हैं. तो 2020 इज हिज ईयर, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ रिलीजेस कमिंग अप. अच्छा ये बताइए कि आपने अपने किरदार के बारे में बताया कि किस तरह से आप घर को हैंडल करती हैं, के मैनन को हैंडल करती हैं और किस तरह से घर में चीजें होती, किसी तरह की कोई सिमिलैरिटी रियल लाइफ में और इस वेब शो में जो आपका किरदार है? रियल लाइफ में जैसे मैं राम को टोकती हूँ वैसे ही मैं के को टोकती हूँ बच्चों को लेके. और घर पे जैसे मैं मतलब शो में जैसे मैं घर पे बॉस हूँ वैसे रियल लाइफ में भी मैं ही बॉस हूँ. क्योंकि राम आते जाते रहते हैं तो बॉस इज आई एम द बॉस. चलिए जाते जाते आप अपने दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, एक एक्साइटिंग अवतार में नजर आने वाली है, तो क्या कुछ कहेंगी आप? प्लीज हमारा शो स्पेशल ऑप्स देखिए, आपको बहुत बहुत मजा आएगा. बहुत मेहनत की है सबने, बहुत पसीना बहाया है. सो प्लीज वॉच द शो एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आपको बहुत मजा आएगा. चलिए एबीपी न्यूज से खास बातचीत के लिए बहुत बहुत थैंक यू. शुक्रिया. कैमरामैन विपुल राज के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई. मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे.